So hello everyone, my name is Ravi Sharma and in the last video we have covered 6 out of the 12 mistakes that I have identified during my preparation days. So wo 12 mistakes mein se 6 mistakes hum already cover kar chuke hain and you guys have loved that video so much. To agar aapko aap mein se kisi ne wo video nahi dekhi hai to yahan ya yahan kahin aapko I button dikh jayega jahan se aap wo video access kar sakte hain ya fir main uska link description mein bhi de dunga. और अगर आप मेरे से जुड़ना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, कोरा पे भी मैंने काफ़ी एक्सटेंसिव कंटेंट लिखा हुआ है, तो वो भी आप पढ़ सकते हैं. तो उस सब के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में हैं. एंड ऑल्सो यू कैन सब्सक्राइब टू दिस चैनल इफ़ यू वॉन्ट. देर इज़ नो कंपल्शन, बट इफ़ यू फील लाइक डूइंग इट यू कैन. सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो के साथ साथ जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है प्रैक्टिस करना और एनालिसिस करना. तो testbook.com आपके लिए लाया लाइव क्लासेस एंड टेस्ट सीरीज़ बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में. और इनकी एक ऐप भी है, अगर आप वो ऐप डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है. वहाँ पे आपको काफ़ी लाइव ऑल इंडिया मॉक फ्री टेस्ट भी मिल जाएंगे. इसके अलावा यहाँ पे भी कुछ फ्री टेस्ट आपको दिख रहे हैं, SBI क्लर्क टेस्ट सीरीज़ जो मैंने आपके सामने खोली हुई है. आप इनको एक बार चेक कीजिए, इनकी क्वालिटी ऑफ एनालिसिस चेक कीजिए, क्वालिटी ऑफ इंटरफेस चेक कीजिए, इनका लेवल चेक कीजिए. और ये मैं कुछ आपको बैंकिंग टेस्ट सीरीज़ दिखा रहा हूँ. और इसके अलावा अगर आपको सारे टेस्ट सीरीज़ एक साथ चाहिए, जैसे SSC, बैंकिंग, रेलवे, डिफेंस, टीचिंग, तो आपको सब मिलेगा सिर्फ 299 में. इसमें 310 एग्ज़ाम्स कवर होते हैं प्लस 17,000 प्लस मॉक्स हैं इनके. तो अगर आप भी इनकी सिलेक्शन ड्राइव में शामिल होना चाहते हैं तो हो सकते हैं. और अगर आपको 299 भी नहीं देने तो 30 रुपीज़ के डिस्काउंट के लिए आप कूपन कोड यूज़ कीजिए RSIP10. तो ऑल द लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन. नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो. सो यस, 7th मिस्टेक. व्हेन आई स्टार्टेड माय प्रेपरेशन आई यूज्ड टू फोकस ऑन द हाई कंपटीशन इन्वॉल्व्ड इन द एग्जाम. लेटर रियलाइज्ड दैट माय ओनली कंपटीशन इज द पर्सन इनसाइड द मिरर. सो आप ये मत देखिए कि कितने लाखों लोग बैठे हैं इस एग्ज़ाम में. आप ये सोच रहे हैं कि यार सीट्स तो हजार हैं और लोग बैठे हैं 10 लाख, तो मेरा नंबर कैसे आएगा. ये चीज़ें नहीं सोचनी है. हाई कंपटीशन से कोई मतलब नहीं है. 10 लाख में से पहली बात तो प्रेपरेशन तो 1 लाख ही कर रहे होंगे ढंग से, जो कि ट्रैक पे और अच्छे से वो चीज़ें कर रहे हैं जो एग्ज़ाम डिमांड करता है. ठीक है, अगर आप उनमें से हैं तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है. सिर्फ आपको वो 3 घंटे या 2 घंटे या 1 घंटा बहुत अच्छे से परफॉर्म करना है और सिर्फ अपने पे फोकस रखना है. योर ओनली कंपटीशन इज़ यू. ठीक है, आपका कंपटीशन सिर्फ आपके साथ है और किसी के साथ नहीं. ये बात अपने आप को याद दिलाओ बार बार और लोगों में मत देखो. कई बार क्या होता है, जिस दिन एग्ज़ाम होता है उसका रिव्यू आ रहा होता है तो नीचे लोग कमेंट कर रहे होते हैं 95 अटैम्प्ट, ये अटैम्प्ट, वो अटैम्प्ट. आपका नेक्स्ट शिफ्ट में पेपर, आप ये सोच रहे होते हो कि यार ये बंदे तो 90 करके आ रहे हैं, हम कैसे करेंगे इतना. बट यू डू नॉट हैव टू थिंक अबाउट एनीथिंग एल्स, राइट. सिर्फ प्रोसेस ही है जो आपकी अटेंशन डिजर्व करता है और कुछ नहीं. ठीक है, सो डू नॉट थिंक अबाउट द हाई कॉम्पिटिशन. जस्ट लेट योर सेल्फ रिमाइंड दैट यू आर द ओनली कॉम्पिटिशन यू हैव, राइट. सो अपने ऊपर फोकस करो, अपनी गलतियाँ ढूंढो, उन गलतियों पर काम करो और आगे बढ़ो. ठीक है, कॉम्पिटिशन को नहीं देखना है, सिर्फ खुद को देखना है. करेक्ट. सो विद दिस लेट्स मूव ऑन टू द 8th मिस्टेक. व्हेन आई स्टार्टेड माई प्रेपरेशन आई यूज टू फोकस ऑन द मिनिमम मार्क्स आई नीड टू क्लियर एन एग्जाम. लेटर रियलाइज्ड थिंकिंग अबाउट द कट ऑफ्स पुट अस अंडर प्रेशर एंड देन ऑलवेज गेव माई बेस्ट शॉट. देखो, पहले मैं क्या करता था कि कट ऑफ बहुत सोचता था कि कट ऑफ इतनी रहेगी उतनी रहेगी. मेरे को सबसे बड़ी गलती मेरी इसमें हुई थी SBI PU. मैं तो ये कट ऑफ वगैरह बहुत देखता था, बहुत ज़्यादा. आप में से भी कुछ लोग देखते होंगे, बट बाद में पता चला कि कट ऑफ से कोई फ़ायदा नहीं है. देखो, उसका मुझे नुकसान पता क्या हुआ, मैंने कट ऑफ देखी कि 56 से ज़्यादा कभी कट ऑफ नहीं गई है. ठीक है, SBI PU 2019 की. तो उससे पहले जब कट ऑफ नहीं गई है 56 से ऊपर, तो अब कैसे जाएगी. मैंने अपने माइंड में ये प्री मैच्योर्ड थाट पाल लिया और उससे क्या हुआ, मैंने अटैम्प्ट 65 करके आया, 65 अटैम्प्ट किए, 61 मार्क्स आए और वो पेपर नहीं क्लियर हुआ क्योंकि 71 कट ऑफ थी. तो पेपर के लेवल के हिसाब से कट ऑफ होती है, प्रीवियस ईयर्स के कट ऑफ का कोई मतलब नहीं है. हाँ, एक बैक ऑफ द माइंड में चलो ठीक है गई है कट ऑफ, लेकिन जब पेपर में बैठे हो तब आपको ये नहीं सोचना कि कट ऑफ इतनी रहेगी, मेरे को इतना करना है. बस अपना बेस्ट शॉट दो, बेस्ट शॉट दो. 100 क्वेश्चन से 100 ट्राई करो करने की. नहीं होते, जितने भी होते हैं
वो आपके मैक्सिमाइज इनपुट होने चाहिए, ठीक है, आपके अटेम्प्ट्स मैक्सिमाइज होने चाहिए विद कीपिंग इन माइंड द एक्यूरेसी। और कुछ नहीं सोचना है, कट ऑफ के बारे में नहीं सोचना है, कट ऑफ कुछ नहीं होती है, आपको बस परफॉर्म करना है, बेस्ट शॉट करना है। कट ऑफ तो बाय प्रोडक्ट है, अगर आप प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो बाय प्रोडक्ट कट ऑफ आपकी अपने आप क्लियर होगी, क्लियर ही नहीं आपको आसपास भी नहीं, आप अच्छे खासा क्लियर करोगे अगर आपने अच्छे से तैयारी की है। जैसे मैंने आपको बताया अपने पिछले से पिछले वीडियो में दिखाया कि मेरे प्री के मार्क्स कितने होते थे, 80, 90, 95, तो वो मैं कभी कट ऑफ थोड़ी सोच के जाता था बाद में। तो इसलिए कट ऑफ के बारे में नहीं सोचना है, सिर्फ अपना बेस्ट शॉट देना है हर एक एग्ज़ाम में, ठीक है। तो लेट्स मूव ऑन टू द 9th मिस्टेक। व्हेन आई स्टार्टेड माई प्रेपरेशन आई यूज टू स्टडी अनटिल द लास्ट मिनट, लेटर रियलाइज द बेस्ट थिंग यू कैन डू वन डे बिफोर अ टेस्ट इज रेस्ट। मान लो आपका कल एग्ज़ाम है, कल एग्ज़ाम है और आज आपको क्या करना है, सिर्फ रेस्ट करना है। लाइट स्टडी कर सकते हो थोड़ी बहुत, जैसे अगर आपका मेंस का एग्ज़ाम है तो जीके को थोड़ा सा 1-1.5-2 घंटे रिवाइज कर लिया, बाकी आपको रेस्ट करना है, अपने माइंड को मतलब एग्जॉस्ट नहीं कर देना। एक दिन में कुछ नहीं होने वाला, मैं आपको बता रहा हूँ, ये एग्ज़ाम ऐसा है जो आपका एप्टीट्यूड चेक करेगा, आपका एप्टीट्यूड बन चुका है ओवर द टाइम जब से आपने प्रेपरेशन स्टार्ट की है। और अगर आपको लग रहा है कि एक दिन में आप कुछ उखाड़ लोगे तो वो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, सिर्फ जीके थोड़ी बहुत रिवाइज हो सकती है, वो कर लो और बेसिक फॉर्मूलेज देख लो, बाकी आपको इस दिन मॉक वगैरह कुछ नहीं देना है, सिर्फ अपने माइंड को शांत रखना है और अपने आप से बार बार यही बोलना है कि आई बिलीव इन माई हार्ड वर्क एंड आई थिंक आई विल डू बेस्ट ऑफ माई एबिलिटीज टुमारो इन द एग्ज़ाम एंड इफ़ आई परफॉर्म टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटीज मुझे पता है कि मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, तो मुझे कोई टेंशन नहीं है, आई विल डू माई बेस्ट एंड आई विल क्लियर दिस एग्ज़ाम, राइट। सो विद दिस वी मूव ऑन टू द मिस्टेक नंबर 10। व्हेन आई स्टार्टेड माई प्रेपरेशन आई यूज टू जज माई परफॉर्मेंस बाय द नंबर ऑफ आवर्स आई सैट स्टडिंग, लेटर रियलाइज्ड हाउ प्रोडक्टिव एम आई द होल डे इज द थिंग दैट मैटर्स, राइट। सो आपकी प्रोडक्टिविटी मैटर करेगी। कई बच्चे पूछते हैं कि सर कितने घंटे पढ़ना चाहिए, देखो घंटों से कुछ नहीं होना, घंटे आप बैठे रहो किताब खोल के, आपको लग रहा है आप पढ़ रहे हो बट वो नहीं पढ़ रहे हो आप, आपको जो एग्ज़ाम के डिमांड्स है उसके हिसाब से अपना एक्शन प्लान बनाना पड़ेगा और उस एक्शन प्लान पे आपको डेली वर्क करना पड़ेगा। इफ़ यू आर टिकिंग ऑल द बॉक्सेस एवरी डे देन यू कैन से दैट यस यू हैव डन वेल टुडे, राइट। सो आज के दिन में अगर आपने अच्छा किया है, उसका सिर्फ एक ही पैरामीटर है जो आपको बता सकता है, वो है जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया ना अपनी ट्रैक कैसे करनी है परफॉर्मेंस, लास्ट टू लास्ट वीडियो में, कि अपनी परफॉर्मेंस को कैसे ट्रैक करना है, कि आपको वो टॉपिक सारे लिख लेने हैं जो आपको आज करने हैं, ठीक है। अगर वो हो गए तो सामने टिक मारो, सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट भी आएगी और आपको अच्छा भी लगेगा कि आपने कुछ किया है, आप नेक्स्ट डे के लिए भी बेटर प्रिपेयर हो पाओगे और आपके चांसेस बढ़ जाएंगे सिलेक्शन के भी, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ये मत देखो कि आप कितने घंटे बैठे हो, ये देखो कि आपका जो करना था आज वो आपने किया है या नहीं किया, ठीक है। सो विद दिस वी मूव ऑन टू द सेकेंड लास्ट, दैट इज 11th मिस्टेक। व्हेन आई स्टार्टेड माई प्रेपरेशन आई यूज टू सी द मार्क्स इन द मॉक टेस्ट, लेटर रियलाइज दैट परसेंटाइल नॉट द मार्क्स इज द बेटर क्राइटेरिया फॉर असेसिंग माई परफॉर्मेंस। सो आपकी परफॉर्मेंस का बेटर इंडिकेटर मार्क्स नहीं है मॉक में, वो क्या है, परसेंटाइल, आपकी कितनी परसेंटाइल आ रही है। जितने लोगों ने पेपर दिया है, अगर आपकी 90% आ रही है, मतलब आप 100 बंदों ने अगर पेपर दिया तो आपकी टॉप 10 में रैंक है, ठीक है। अगर 95% आ रही है तो आप टॉप 5% बच्चों में है। इससे ये डिपेंड नहीं कर रहा कि मार्क्स कितने आ रहे हैं, मार्क्स तो देखो लेवल ऑफ दैट पर्टिकुलर मॉक टेस्ट का क्या लेवल है उसके हिसाब से चेंज होते रहेंगे। तो मार्क्स पे फोकस नहीं करना है, फोकस किस पे करना है, परसेंटाइल पे। और आज मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आप 75 के आसपास परसेंटाइल वाले हैं तो थोड़ी सी मेहनत करो, आप आराम से पेपर क्लियर कर लोगे। उससे थोड़ा कम है तो आप थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करो, आप भी आराम से क्लियर कर सकते हैं, बिकॉज एनीबडी इन हिज लाइफ कैन डू एनीथिंग एट एनी पॉइंट ऑफ हिज लाइफ, ठीक है। एनीथिंग इज पॉसिबल इफ़ यू बिलीव इन योर सेल्फ, ठीक है। तो अपने ऊपर भरोसा रखो और करते जाओ डेली, ठीक है। और इस पॉइंट में मैंने क्या बोला, परसेंटाइल पे ध्यान दो ना कि मॉक के मार्क्स पे, परसेंटाइल पे फोकस करो सिर्फ। सो विद दिस वी मूव ऑन टू द मिस्टेक नंबर 12। व्हेन आई स्टार्टेड माय प्रेपरेशन आई यूज टू एक्सप्लेन द रीजंस और मेक एक्सक्यूजेस आफ्टर एवरी फेलियर,
लेटर रियलाइज्ड बीइंग ऑनेस्ट टू आरसेल्व्स एवरी डे इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। और पहले क्या होता था कि जैसे मैं फेल हो गया तो मैं कुछ भी बोल देता था कि यार आज ये हो गया, आज मैं सो के नहीं गया था, या फिर रात को अच्छी नींद नहीं आई, या फिर मेरे को एक्स्ट्रा शीट नहीं मिली, या फिर कुछ भी एक्स वाई जेड आई यूज टू थ्रो इट ऑन समबडी एल्स। ठीक है, बट आपको क्या करना है, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है उस चीज़ की। देखो आपका एग्ज़ाम है, आप फेल हुए हो, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, आपको एडमिट करनी है अपने मिस्टेक कि हाँ भाई मैं फेल हुआ हूँ और मैं अपनी गलतियाँ सुधारूंगा और मैं क्लियर करूँगा पेपर जैसे मर्जी। ठीक है, तो लोगों से सच बोलने से पहले खुद से सच बोलो। अपने आप को आप झूठ नहीं बोल सकते, चाहे कितना भी ट्राई कर लो, क्योंकि आपको बैक ऑफ द माइंड और डीप इनसाइड योर हार्ट यू नो दैट यू आर लाइंग टू योरसेल्फ। बट जिस दिन आप अपने आप से सच बोलने लग गए ना, तो चीज़ें बहुत आसान हो जाएगी एग्ज़ाम्स में भी और लाइफ में भी। ठीक है, तो मेक श्योर दैट यू आर ऑनेस्ट विद योरसेल्फ, एंड इफ़ यू आर ऑनेस्ट विद योरसेल्फ आई कैन वाउच फॉर इट दैट यू विल क्लियर एन एग्ज़ाम वेरी वेरी सून। तो आपका पेपर बहुत जल्दी क्लियर होगा अगर आप अपने आप से सच बोल रहे हैं, आप अपने डेली बॉक्सेस पे टिक कर रहे हैं, आप एक एक्शन प्लान के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और बीइंग ऑनेस्ट टू योरसेल्फ इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन लाइफ, रिमेंबर दैट। एंड विद दिस आई थिंक द वीडियो हैज़ कम टू एन एंड। बट एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि एक मेरी ही कुछ मैंने अपनी राइटिंग में लिखा हुआ है कि इवन व्हेन यू नो द रिस्क द ड्रीम इज़ वर्थ द शॉट। देखो रिस्क है और रिस्क है तो इश्क है। ठीक है, तो रिस्क हर जगह है, कहीं भी, ऑलवेज। ठीक है, फिर भी आपको लड़ना है, एवरी डे लड़ना है, और अगर आप अपने ऊपर भरोसा रखोगे तो आपको रिवॉर्ड बहुत बड़ा मिलेगा। ठीक है, तो अपने ऊपर भरोसा रखो, जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ एंड टेल योर सेल्फ दैट एवरी थिंग इज़ पॉसिबल इन दिस स्मॉल वर्ल्ड एंड स्मॉल वर्ल्ड विद बिग अपॉर्चुनिटीज, राइट? सो सीज द अपॉर्चुनिटी यू आर हैविंग, सीज करो उस अपॉर्चुनिटी को। जैसे अभी SBI क्लर्क आने वाला है, तो सोचो कि ये क्लियर है भाई, और उसके उसी हिसाब से मेहनत करो एंड यू विल क्लियर इवेंचुअली दिस एग्जाम एंड मैनी मोर अदर एग्जाम्स, राइट? सो विद दिस आई से गुड बाय टू यू। इफ यू लाइक द वीडियो यू कैन लाइक इट एंड यू कैन सब्सक्राइब द चैनल इफ यू वॉन्ट, राइट? सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।